Today's chapter is physical education and sports for CWNS. Now, what is the meaning of CWSN? इसका क्या मतलब है? आपने पहले भी ये पढ़ा है ना बच्चे? हमने प्लस वन में भी इसके बारे में पढ़ा है. Can anyone tell the full form of CWNS? कोई बताएगा बेटा CWSN का मतलब क्या होता है? Any one of you? No, no answer from your side. Try beta, you have done this topic. ये आपने topic वैसे किया हुआ है. Please, if anybody knows, let me. अगर आपको पता है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं start करती हूँ. Physical education and sports for children with special needs. Children with स्पेशल नीड. आज हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे. इससे पहले हम दो चीजें पढ़ना चाहते हैं. दैट इज, आपने कई बार देखा होगा कई बच्चे बड़े डिफरेंट वे से बिहेव करते हैं, लर्निंग स्लो होती है, नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग. तो व्हाट वी हैव टू लर्न टुडे, दैट इज व्हाट इज डिसेबिलिटी एंड व्हाट इज डिसऑर्डर. डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर क्या होता है? आप में से कोई बताना चाहेगा डिसेबिलिटी किसको कहते हैं बेटा? व्हाट इज डिसेबिलिटी? एनी वन ऑफ यू ट्राई करो. एबिलिटी किसको कहते हैं? ओके, डिसेबिलिटी बाद में छोड़ते हैं. व्हाट इज एबिलिटी? कृष्णपाल आप बताओगे बेटा एबिलिटी किसको बोलते हैं? हम मैम एबिलिटी वो स्किल्स क्वालिटी होती है जो हमें मतलब जो पॉसिबल करती है ताकि हम टास्क कर सकें. क्या बच्चे फिर से बोलना? गुड. हाँ ट्राई. क्या बोल रहे बेटा? हाँ जी, एबिलिटी इज द स्किल्स एंड क्वालिटीज व्हिच मेक इट पॉसिबल फॉर यू टू अचीव अ टास्क. बिल्कुल एग्जैक्टली. ठीक है, अब डिसेबिलिटी क्या होगा अपोजिट टू दैट? ये समझाने के लिए आसान मैंने पहले एबिलिटी को ले लिया. अदरवाइज डिसेबिलिटी क्या होता है? ये हमारी इम्पेयरमेंट दैट मे बी आर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हो, इंटेलेक्चुअल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, सेंसरी हो, किसी भी तरीके की, जिससे कि जो कि हमारे काम को करने में हिंड्रेंस देते हो, दैट इज कॉल्ड अ डिसेबिलिटी. वो काम जो हम आसानी से नहीं कर सकते, जिसमें हमें बाधाएं आती हैं, ठीक है, चाहे वो हमारी शारीरिक तौर पर हो, मानसिक तौर पर हो, हमारी किसी भी क्वालिटी के कारण, उसे हम क्या कहते हैं? डिसेबिलिटी. ठीक है, वो क्या है? एक्टिविटी या हमारी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं ये चीजें. जो काम को आम जो इंसान है वो अच्छे तरीके से या बड़ी कैजुअल अप्रोच में कर लेता है, उसी काम को जब हम नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, दैट इज अ डिसेबिलिटी. ठीक है ना बच्चे? जैसे मान लो अगर हमारे सम ऑफ द पीपल, दिस इज थैंक गॉड कि वी आर हैविंग अ प्रॉपर लिम्स हैं हमारे, हम हर काम को आसानी से कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन जो है माइंड के साथ वो सही है, इसलिए हम किसी हर चीज को सोच समझ परख उसके बारे में जान सकते हैं. ये हमारे लिए क्या है? थैंक टू गॉड फॉर दिस एबिलिटी. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो लिम्स नहीं है और उसके कई कॉजेज हैं. लिम्स का मतलब है हाथ पैरों का ना होना, टांगों का ना होना. तो उनके लिए ये क्या होता है? कोई भी काम करने को उनमें क्या आ जाती है? उनके प्रॉब्लम आती है. एंड दैट इज कॉल्ड अ डिसएबिलिटी. समझ में आ गई बेटी? इतनी बात होगी हमारी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ डिसएबिलिटी. इट इज नो डाउट अपोजिट टू एबिलिटी. और एबिलिटी में है कि हमारे स्किल्स वगैरह, हमारा वर्किंग स्टाइल, या हम वर्क को बहुत स्मूथली और परफेक्ट मैनर से कर सकते हैं. बट इन डिसेबिलिटी द इम्पेयरमेंट होने के कारण, चाहे वो मेंटल है, चाहे फिजिकल है, चाहे इंटेलेक्चुअल है, कॉग्निटिव है, किसी भी तरीके से, दीज आर द हिंड्रेंस इन आवर डेली डे टू डे की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको करने में हमें कठिनाई आती है, मुश्किल आती है, या ये चीज. ठीक है बेटा, अब
इम्पेयरमेंट्स जो हैं वो तीन तरीके के होते हैं. फर्स्ट वन इज फिजिकल इम्पेयरमेंट, सेकेंड इज सेंसरी एंड थर्ड वन इज कॉग्निटिव. ठीक है, इम्पेयरमेंट जो है वो हमारी तीन तरीके की होती हैं. पहली होती है फिजिकल, दूसरी होती है सेंसरी और तीसरी होती है कॉग्निटिव. फिजिकल वर्ड अपने आप में ही इस चीज को क्लियर करता है कि व्हेन अ लॉस ऑफ लिम्ब्स और अ पार्ट ऑफ अ बॉडी इज देयर देन हाउ वी हैव टू डू द वर्क इन व्हाट फॉर्म. लेकिन उसके बाद भी कई लोग आपने देखे होंगे या आपने कई बार व्हाट्सएप पे या नॉर्मली आ जाते हैं हमें देखने के लिए ऐसे वीडियो कि जिन लोगों के हाथ नहीं हैं वो पैरों से भी बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहे होते हैं. आपने देखा होगा दे डू देयर वर्क इन अ वेरी गुड मैनर, करते हैं ना बेटा. लेकिन क्या है उनकी वर्किंग स्पीड या उनका जो काम करने का तरीका है या उसकी फॉर्मेशन जो है वो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल. उनकी ये चीजें जो है वो नॉर्मल लोगों से अलग होती है. ठीक है ना बच्चे, ये चीजें हम महसूस करते हैं. लेट मी टेक द अटेंडेंस फर्स्ट वन मिनट. अब आते हैं हमारे पास सेंसरी इंपेयरमेंट. इसके अंडर आती है बेटे स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम, हमारे हेड हियरिंग की प्रॉब्लम है. ठीक है बेटा, हमारी हेयरिंग की है, विजन की है, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. एज यू ऑल नो दैट सेंस ऑर्गन हमें पता है ना हमारे पांच हैं, जिसमें क्या क्या आता है, टेस्ट है, टंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, देन विजन है, ठीक है, देखने का, सुनने का, समझने का, और साथ के साथ हमें हमारा क्या होता है बेटा, हमारी जो बॉडी की वर्किंग है, टेस्ट का, स्किन को टच करके फील करने का, ये सारी चीजें सेंस के अंदर. इन द सेम वे सेंसरी इम्पेयरमेंट के अंदर आता है कि इन चीजों का लॉस होना, इनमें से किसी का भी लॉस होना. ठीक है ना बेटा, जैसे आपने देखा होगा हियरिंग हम डेफ एंड डम बोलते हैं, है ना, क्या है सुनने का, अगर हम सुन नहीं सकते तो हम समझ नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते तो हम बोल नहीं सकते. ठीक है ना, कनेक्शन है. विजन का आईज बिल्कुल ब्लाइंड होना या विजन बहुत लो होना या हमें कोई चीजें रात को ना दिखनी, सुबह के ज्यादा रोशनी में ना नहीं दिखनी या नॉर्मली हमारी वर्किंग ना हो, दैट कम्स अंडर द विजन. ठीक है बेटा, उसके बाद हेयरिंग है, फिर स्पीकिंग है, बोलना सकना. ठीक है ना बेटा, अगर हम बोलेंगे नहीं तो अपनी फीलिंग्स को कैसे या अपनी बात को हाउ वी कैन कम्युनिकेट, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन. ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, ये सेंसरी इम्पेयरमेंट के अंदर आती हैं. फिजिकल के अंदर हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है एंड थर्ड वन इज कॉग्निटिव. कॉग्निटिव वर्ड आपने बहुत बार सुना है एंड यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज कॉग्निटिव. यहाँ पर थिंकिंग, रीजनिंग, लर्निंग जो है उसका कॉम्बिनेशन होता है रिलेटेड टू दिस. ठीक है ना बेटे, हमने किसी चीज को सोचना, उसके रीजनिंग के बारे में, उसके बारे में काम करना, ये क्या है, थॉट, हमारा प्रोसेस है, माइंड का प्रोसेस है. अगर वो प्रॉपर करता है तो हमारी रिस्पॉन्डिंग बहुत अच्छे से होती है. कई बार क्या होता है, टेक एन एग्जाम्पल, इसके भी दो रीजंस है. कई बार कई बच्चे बहुत जल्दी समझ लेते हैं, हम कहते हैं और कहीं लेट, इसका मतलब दे आर नॉट हैविंग कॉग्निटिव प्रॉब्लम बट दे आर हैविंग अ इंटरेस्ट. जिसमें इंटरेस्ट होता है वो बात को भी कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, उसका करते हैं, इसका मतलब वहां पर ये प्रॉब्लम्स नहीं है. वहां पर मेन क्या है, वहां पर मेन है इंटरेस्ट. उसे हम इम्पेयरमेंट के अंदर नहीं लाएंगे. लेकिन इम्पेयरमेंट के अंदर क्या आएगा, इम्पेयरमेंट के अंदर आएगा जहाँ पर हमें लर्निंग में प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है बेटा, हमें समझने में, उसके बारे में, काम करने के बारे में प्रॉब्लम हो उसे. ठीक है, इसका एग्जांपल अगर आप तारे जमीन पर में, वो बच्चे का था ना, कैलिक्सिया का, उससे क्या हमेशा कंफ्यूजन रहती थी बी और डी में, थ्री मार्क में, या कई बच्चों को कई चीजों में होती है, दे अंडरस्टैंड बट दे आर नॉट एबल टू राइट दैट इन अ प्रॉपर मैनर. ठीक है ना, ये क्या है, ये हमारी डिसेबिलिटी के
ये चीजें क्या है, डिसेबिलिटी के अंदर आती हैं, कि हम चीजों को इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, मेंटली उनको हम सुन या समझ नहीं पाते हैं या हम कर नहीं पाते हैं। ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे काम करने में हिंड्रेंस पैदा करते हैं या हमारी कैपेबिलिटी को क्या है पूरी तरीके से नहीं बढ़ने देते। अब इसके कारण क्या होता है बेटा, कई बार लोगों में लो एस्टीम हो जाती है। हम कहते हैं ये बच्चा या इंसान जो है वो शाय है, दैट इज नॉट द मेन थिंग, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू लर्न द थिंग्स और डू द थिंग्स, इसलिए शायद वो उस चीज में पार्टिसिपेशन कम करता है या नहीं कर पाता। तो ये क्या है, ये नॉर्मल इनकी चीजें होती हैं। इज इट क्लियर बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई है इसके बारे में। अब है कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किसी भी चीज की प्रॉब्लम के लिए कुछ फैक्टर्स तो होते ही है ना बेटे, कि क्या कारण है कि ये चीज ढंग से नहीं हो पा रही है, तो हम उसके जानने की कोशिश करते हैं या फिर हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द रीजन। पर अब जो डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर्स हैं, इनके मेन रीजंस क्या हैं, इनके मेन रीजंस है सबसे पहला जेनेटिक, ठीक है ना बेटा, इनका जेनेटिक रीजन है। जेनेटिक का मतलब है हेरिडिटरी या बायोलॉजिकल या बॉटनी हम उसको नॉर्मली कहते हैं, थ्रू द पेरेंट्स टू द चाइल्ड और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और किसी भी तरीके से बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होने के कारण ये कॉजेस हो सकते हैं। ये पहला कॉज है इसका कि उसमें क्या है, जेनेटिकल प्रॉब्लम के कारण वो बच्चा अपनी इस चीज को सही तरीके से नहीं कर पाता है, ठीक है ना। हमने देखा है कई बार कई बच्चे बाय बर्थ ही ब्लाइंड होते हैं, उनकी हार्ड ऑफ हियरिंग शुरू से होती है। कई बच्चों के हमने देखा है कि लिम्स जो है उनकी पूरी ग्रोथ नहीं हुई होती है, ठीक है ना, बाजू के इमीडिएट बाद या एल्बो के इमीडिएट बाद ही उनका क्या होता है, उनकी हैंड स्टार्ट हो जाते हैं, हाथ वगैरह शुरू हो जाते हैं, लेंथ ऑफ द आर्म और लेग और कई चीजें जो है वो होने के कारण वो प्रॉपरली किसी भी एक्टिविटी को नहीं कर पाते हैं। सेकेंड थिंग है एनवायरमेंट, सराउंडिंग्स, हमारी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग जो है हमें डिजीजेस ऐसी हो जाती हैं या प्रॉब्लम ऐसी आ जाती हैं जिसका हमें अर्ली पता नहीं चलता और लेटर स्टेज में जब हम जाते हैं या बड़े होते हैं देन वी केम टू नो अबाउट दिस, जिसके काफ़ी सारी रीजंस हैं प्रॉब्लम्स का आना, ठीक है। पोलियो में क्या है, लेग पे इफेक्ट होना, ठीक है, अच्छा भला इंसान भी है उसके चलने में उसे प्रॉब्लम आनी, तो ऐसे इंसान के लिए फिजिकल एक्टिविटीज या जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं वो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देन आर डाइट इज देयर, माल न्यूट्रिशन जो है वो भी इन चीज़ों को बढ़ावा देता है, खाने की खाने में जो मेन कंटेंट्स हैं उनको ना लेना, उसके कारण भी हमारे मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होते हैं, जिसके बारे में हम लेटर जानते हैं। बच्चों को तभी कहा जाता है कि बच्चों का या हर इंसान का दूध, बिकॉज मिल्क इटसेल्फ इज अ फुल डाइट, बट मैनी पीपल अवॉइड दिस बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ इनटॉलरेंस या डाइजेस्ट ना होना, दैट इज सेपरेट थिंग, अदरवाइज भी कई लोग नहीं, बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिकल कंडीशन दे आर नॉट एबल टू परचेज दीज थिंग्स, वो भी उनका एक रीजन है कि वो इन चीज़ों से नहीं अच्छी तरह खा सकते, ठीक है ना बेटा। इसी के कारण इकोनॉमिकली साउंड ना होने के कारण फूड प्रॉब्लम है, स्टडी प्रॉब्लम है, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, हाइजीनिकली प्रॉब्लम है, ये सारे कॉसेस जो हैं वो धीरे धीरे दिस लीड्स टू व्हाट, दिस लीड्स टू डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। डिसऑर्डर होता है हमारी एबनॉर्मलिटी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ अवर माइंड, ठीक है बेटा, हमारे सोचने का विचारने का उसे एक्सप्लेन। आपने देखा होगा कई बच्चे या कई इंडिविजुअल्स ऐसे स्मार्ट होते हैं, उन्हें हम एक वर्ड दें दे एक्सप्लेन इट इन अ वेरी गुड मैनर एंड सम ऑफ द पीपल आर देयर। मैंने यहाँ पर दो कंडीशन बताई हैं, एक प्रॉब्लम के कारण, एक डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, इंटरेस्ट ना होना, दो चीजें ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली इसमें चलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या है,
दीज आर द कॉजेस। इनमें से कुछ चीजें हैं उनको हम बेटर कर सकते हैं, जैसे मैंने कॉजेस बताए हैं, इनकी रेमेडीज भी हैं, कुछ की रेमेडीज हैं। जैसे पोस्चर का ही ले लें, बॉडी पोस्चर, कई लोग इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते हैं स्टार्टिंग में। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को इस चीज की नॉलेज ही नहीं हो पाती कि हमारा बच्चा जो है वो फ्लैट फुट है, उसके मसल्स वीक हैं, उसे अभी ही कुछ ऐसे रेमेडीज करें जिससे वो बेटर वर्किंग में आ सके। तो वो क्या है, ये ड्यू टू पोस्चर है, ठीक है। अर्ली एज में ही, अर्ली स्टेज में ही कई बच्चे या कई पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड होते हैं, इसे बैठना सिखा दें, इसे चलना सिखा दें, ये भी कॉजेस होते हैं। सम ऑफ द टाइम्स मे बी आ एक्सीडेंट, ड्यू टू एक्सीडेंट भी है बेटे, कई बार एक्सीडेंट होने के कारण माइल्ड, मॉडरेट या सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं इनके बारे में, जिसे के कारण जो है हमारी वर्किंग कैपेसिटी या हमारे फंक्शनिंग में हिंड्रेंस। इज इट क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई बेटे? गिव मी द आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल।